नमस्कार किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वराज के 855 FE न्यू मॉडल की, जो 5-स्टार ब्रांडिंग के साथ आता है। और इस ट्रैक्टर के क्या फीचर्स अपडेट किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम इस ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की बात करते हैं। इस ट्रैक्टर में क्या क्या चेंजेस किए वो आपको हम लोग दिखाएंगे, और क्या क्या फीचर्स नए अपडेट किए हैं जो कि स्वराज के पुराने मॉडल के मुकाबले आप सभी किसान भाइयों को कितने किफायती है या नहीं है, वो सारी वीडियो आप लोग देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल एक्सल मिल जाएगा, 750/16 के फ्रंट टायर मिल जाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग पंप है। दूसरी बात किसान भाइयों, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको फ्रंट से शो करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके दोनों हैलोजन लैंप और स्टाइलिश लुक की। तो पहले स्वराज का लुक कुछ अलग डिफरेंट आता था, जो कि अभी हाल ही में कुछ इस तरीके का कर दिया है। इसमें जो बोनट है, पहले आपको पता होगा इस साइड खुलता था, अब बोनट कैसे खुलता है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग इस बटन को देखेंगे, इसको पुश किया और आप डायरेक्टली यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे उठा सकते हैं। चलिए मैंने इसको उठा दिया है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं सिंगल पंप लगा के इसको मारुति मॉडल का ट्रैक्टर बना दिया गया है। ये पहले स्वराज में ये फीचर्स नहीं था, हाल ही में अभी स्वराज में ये फीचर्स लॉन्च किया है कि किसान किस तरीके से आगे से इसको पुश कर सकते हैं। रेडिएटर काफ़ी बड़ा इन्होंने डिज़ाइन करके दिया है। आपको पता होगा कि स्वराज का 855 सबसे ज़्यादा भूसा मशीन या हार्ड वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। हीटिंग ना हो इसलिए रेडिएटर आप लोग देख सकते हैं, किसी ट्रैक्टर में इतना बड़ा रेडिएटर नहीं दिखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा रेडिएटर डिज़ाइन करके दिया गया है। रेडिएटर के साइड में ग्रिप्स लगा के दी गई है, जिससे कि डस्ट इन जालियों के बाद कहीं और से अंदर ना जाए रेडिएटर के अंदर। रेडिएटर पूरा आप लोग देख सकते हैं फाइबर का बना हुआ रेडिएटर है, आगे स्टील की जाली है, पीछे पूरा फाइबर लगा हुआ है। रेडिएटर से सीधा थर्मस्टर ऑयल से होते हुए पानी सीधा सप्लाई होता है इंजन की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा डिजाइन किया गया है। 3 सिलेंडर बोस्को का इनलाइन पंप आता है। स्वराज का इंजन ना चिपकने का सबसे बड़ा काम है कि पिस्टन के यहाँ पे गैप देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप लोग, तो इंजन बहुत कम चिपकता है, इसीलिए स्वराज की खासियत है। ऑयल बाथ फिल्टर कंपनी अलग से लगा के देती है, कई किसान भाई इसमें अलग से और एडजस्ट कर लेते हैं, 2 फिल्टर ऐड कर देते हैं, वो चीज़ें मिलती है। 2 डीजल फिल्टर मिलते हैं, एक वाटर सेपरेटर फिल्टर आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। और एक और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेयरिंग ऑयल का पंप भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ऑयल का बॉक्स भी यहीं मिल जाएगा, कूलेंट कूल्ड का भी यहीं पे अंदर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अंदर की ओर देखेंगे तो इस तरीके का ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ भी तामझाम या झंझट जिसको हम बोलते हैं वो कुछ नहीं देखने को आपको मिलेगी, जिसमें आप सभी किसान भाइयों को 3 सिलेंडर में 3478 cc का इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑयल बाथ फिल्टर आपको मिलते हैं, ऑयल फिल्टर्स जो देखते हैं, टेंडम पंप वगैरह यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। टूल बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टूल बॉक्स में आपको बैटरी बॉक्स का ऑप्शन साइड में मिल जाता है, और ट्रैक्टरों में आपको फ्रंट पे देखने को मिलता है, जिससे कि रेडिएटर में पर्याप्त हवा नजर आ पाती है। लेकिन कैटलुक आइस में जो इसको डिजाइन किया गया है मारुति मॉडल में, इस तरीके से इसमें जो फीचर्स पुराने ट्रैक्टर के थे वही देखने को लगभग मिलते हैं। 5-स्टार ब्रांडिंग के साथ आता है, आप सभी को पता ही होगा। इस टाइप की साइड की अगर हम बात करें तो पहले स्वराज के सेंटर गियर के ट्रैक्टर देखने को मिलते थे, लेकिन हाल ही इसमें और भी चेंजेस किए गए। सबसे पहले इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर की स्टाइलिश थोड़ी सी इन्होंने चेंज की है। बोनट का लुक थोड़ा सा डिजाइन किया है, नीचे डाउन किए हैं बोनट टायर के यहाँ पे। और थोड़ी सी बैठक की अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रैक्टर को काफी अलग डिजाइन किया है इन्होंने। सबसे पहली बात साइड गियर आपको जो प्रोवाइड कर दिया है कंपनी ने, यहाँ पे फुट रेस्ट आपको मिल जाता है। ब्रेक पर अगर आप पैर ना रखना चाहे, ब्रेक और क्लच की लाइफ बढ़ाना चाहे, ये कंपनी पहले से ही स्वराज कंपनी देती आ रही है, और अभी भी एक ऑप्शन मिलता है रेस पेडल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पीसी और मतलब पोजीशन कंट्रोल और ड्रॉप कंट्रोल, पीसी और डीसी लीवर यहीं पे आपको प्रोवाइड होते हैं। सीट बड़ी कर दी है, बैठक शानदार कर दी है, गाड़ी बढ़ा दी है, चौड़ी कर दी है, मतलब अच्छी खासी कर दी है, एडजस्टेबल सीट कर दी है, जिससे कि किसान भाई कंफर्ट जोन से आराम से चला सके, लंबे टाइम तक चला सके। बोनट की जो मैं बात कर रहा था वो आप लोग देख सकते हैं, बोनट का गैप कम कर दिया है, टायर और बोनट्स के बीच में आप लोग देख सकते हैं गैप कम कर दिया है। इसका ये फायदा है कि कहीं ना कहीं इसकी जो बैठक थी वो थोड़ी नीची हो गई है, और बोनट और टायर्स के बीच का ये वाला गैप भी कम कर दिया है। आप चाहें तो किसान भाई यहाँ से बोल्ट्स खोल के डिस्क को अप और डाउन कर सकते हैं, जिससे कि बोनट्स के और टायर के बीच का गैप भी बढ़ा सकते हैं। पीछे से अगर हम बात करें तो पहले स्वराज का 855 अब 14 के टायर में देख लो, 16 के टायर में देख लो, पीछे से पूरा शेर का शेर दिखता था। लेकिन हाल फिलहाल में इसमें जो बोनट्स की इन्होंने डिजाइन दिए, कट डिजाइन दिए, जो कि आपको पता होगा था नोवा सीरीज में आता है, सोनालिका में आता है, या फिर न्यू हॉलैंड में आते हैं, वो डिजाइन इन्होंने बोनट की एडजस्ट करके दिए। सोचने के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा ट्रैक्टर छोटा दिखता है, लेकिन फिर भी साइड पैक वही कंपनी के आज भी वही ब्रांड के साथ आते हैं। अच्छे खासे साइड सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप सभी किसान भाइयों को लिफ्ट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, 2000 kg से 2200 kg तक की लिफ्ट कैपेसिटी आपको मिलती है। यहाँ पे हिंच जो है कंपनी पहले से जो डिजाइन करती थी उस तरीके का हिंच आपको मिलता है, लेकिन हिंच की पिंस आपको प्रोवाइड होती है। 6 SP लाइन की PTO पावर मिलती है, 3 सेंसिंग पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं सिंगल सेंसिंग पंप के साथ में। ड्यूअल ऑक्सिलरी वॉल कंपनी यहाँ पे फिट करके देती है, इसमें आपको सिंगल एक्टिंग और ड्यूअल एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है, कंपनी सब फिटेड आते हैं। और एक कमाल का फीचर्स जो कंपनी ने ऐड किया है वो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नली है, इसको हम लोग खींचते हैं। इसका एक फायदा यह है कि आप इससे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक वगैरह को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये फीचर्स पहले
स्वराज के 963 में हाल ही में लॉन्च किया था, लेकिन अब 855 में भी आपको ये फीचर्स देखने को मिलता है। इससे यानी कि आप पीछे से आप ड्रॉ पट्टी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी इंप्लीमेंट को अटैच करना, उठाना, गिराना है, सारे कामों में आसानी से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनी ने पहले भी डिज़ाइन किया था और अभी भी हाल ही में आपको देखने को मिलता है। इस साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड में कुछ फीचर्स जो हैं वो चेंजेस किए हैं। जो चेंज किया है वो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म में जो चीज़ें चेंजेस की गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर्स की। मीटर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, चलो मैं स्विच घुमा के आपको दिखाता हूँ। मीटर डिज़ाइन पूरा थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, जैसे कि ये पुराना डिज़ाइन है इलेक्ट्रिक मीटर कर दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स में हॉर्स दिखेंगे, यहाँ पे ऑयल प्रेशर वगैरह वही है, टेम्परेचर वगैरह वही है। डिज़ाइन पूरा स्टेयरिंग सॉफ्ट कर दिया है, छोटा स्टेयरिंग कर दिया, हॉर्न वही रखा है, लाइट इंडिकेशंस के सिस्टम्स वो के वही दिए हैं कंपनी ने। बाकी चाबी वगैरह फ्यूज़ बॉक्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, मैंने बोला था क्लच की लाइट बढ़ाने के लिए पेड रेट्स का यहाँ पर दिया है वही है। साइड गियर में आप सभी किसान भाइयों को इसमें अब लो मीडियम हाई गियर बॉक्स मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था और वो अभी भी आपको देखने को मिलता है। पीटीओ पावर की अगर हम बात करें तो 33.8 किलोवाट की पीटीओ पावर आपको मिलती है विद इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर के साथ में। इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर का फायदा वो किसान भाई जानते हैं जो स्टार रिपर रोटर वोटर वगैरह जैसे इंप्लीमेंट चलाते हैं, उन किसान भाइयों को पता है कि पीटीओ लीवर का क्या फायदा है, जिसमें सीआर पीटीओ, 540 पीटीओ विद रिवर्स पीटीओ आपको यानी कि तीन टाइप्स की पीटीओ आपको मिल जाती है। उसमें आपको डबल क्लच मिलता है, सिंगल क्लच तो ये क्लच यहाँ हो गया, एक क्लच ये पीटीओ वाला हो गया। ओआईबी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ऑयल ब्रेक्स मिलते हैं, साइड की वजह से बीच का प्लेटफॉर्म अच्छा काफ़ी ये हो गया, काफ़ी स्मूथनेस परफॉर्मेंस हो गई है, लुकिंग काफ़ी शानदार हो गई है। इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1-2-3 में साइड गियर में जो अगर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग बहुत आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे, ये गियर सिस्टम्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। सीट जो है वो एडजस्टेबल सीट है, आप जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जहाँ से मोबाइल को आप चार्ज लगा के यहाँ रख सकते हैं। ये एक फीचर से बोनट छोटे करती है जो मैंने बोला था। लाइटिंग ऑप्शंस आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाती है, जहाँ से आप लाइट वगैरह ऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंगल कांच आपको मिल जाता है, हैंड रेस्ट यहाँ पर मिल जाती है। अभी हाल ही में सुपर सडल गियर लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको एक सडल गियर भी मिलता है स्वराज में, जिससे कि आप ट्रैक्टर को लोडर एवं डोजर के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें भी अगर आप कंपनी से लोडर और डोजर फिट करना चाहें तो यहाँ पर बोल्ट सिस्टम कंपनी पहले से ही प्रोवाइड करती है। डबल क्लच का फायदा यह है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डबल क्लच के दो इंडिकेशन लीवर अलग से अलग दिए गए हैं। ये सारे फीचर्स इसमें हैं, जिसमें खास करके जो चेंजेस किए गए वो एक इसकी लुकिंग की है, बोनट का ओपन सिस्टम चेंज किया गया है, थोड़ी सी राउंड या कटिंग सिस्टम भी चेंज किया है, थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा हो गई है इसकी। उसी के साथ में मीटर का डैशबोर्ड चेंज कर दिया गया है, साइलेंसर पर सप्रेशर दे दिया है, सीट थोड़ी सी बड़ी कर दी है, गादी वाली कर दी, कंफर्टेबल कर दी, एडजस्टेबल कर दी है। वही ऑक्सिलरी वॉल साइड गियर के साथ में आ रहा है, बोनट थोड़े से डाउन कर दिए हैं। ये चेंजेस किए गए हैं पुराने ट्रैक्टर और इसके मुकाबले, जो किसान भाई के पास स्वराज का पहले से पुराना 855 है और वो साइड गियर में है या कुछ भी है तो वो ना घबराएं कि कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं दिए गए, वो भी बेस्ट शेयर है और ये भी शेयर ही है। वीडियो किसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।